आगे चल करके वो पत्र दिया और भगवान ने कहा तुम्हें पढ़ के सुनाओ। बोले महाराज किसी का गोपनीय पत्र नहीं पढ़ाया जाता है। अरे बोले सुनाओ। तो पत्र में क्या लिखा था? श्रुत्वा भगवान भुवन सुंदर सर्वकांते निर्देश करणे विजय हरितम वितापम रूपम विशाम हसिमताम खिलाखिलाभो धिपति चिंतम पत्र संदे। त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को सुनने से मेरी सारी जन्म जन्म की पिपासा शांत हो गई। हे अच्छे, आपका कुरान बार सुनकर के मेरी लज्जा कर्म सब निवृत्त हो गई, आपको मैं समर्पित हो गई। और यदि आप नहीं आएंगे तो मैं आमरण वृत करके अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी और दूसरे जन्म में जन्म लेकर के तुम्हारी प्रतीक्षा कराऊंगा। जब संपूर्ण व्रत फल तुरंत भगवान ने ब्रह्मवीरा मुहूर्त में दारूक को बुलाकर के रथ में बैठ करके ब्राह्मण को बुलाकर के और कुंडनपुर की ओर चल दिया। यहां पर एक शंका आ गई। सूतजी महाराज को किसने किया? जब कभी देखा नहीं था तो भगवान के ऊपर इतना अटूट विश्वास और प्रेम क्यों कर बैठी? बोले बेने परती तो कोई नहीं प्रीति। और दूसरी बोले जा नहीं तुम्हें और तुम्हें हो जाई और ये ही जाने दे ये जनाई। वही गीता में कहा यो यथा माम पूजन्ते ताम तथैव भजामि हम। और रामायण भी वही कह रही है राग मालकोश में, अरे सोने मुनि तो ये कहो माता अपने पुत्र को गोदी में ले जा करके और ऊपर से अंचल रखती है, वैसे मैं रक्षा करता हूँ। अरे जिम्मे बाल के करण गए प्रभु चाहे न त्यागा। भगवान ने जाकर के दारू को कहा रोको रख और ब्राह्मण को कहा कि जाओ कह दो रुक्मणी जी को क्या अब स्कूल है श्रृंगार करके भगवान माता के मंदिर में आए वहीं में मिलेगा। चारों तरफ से शिशुपाल दंत वक्र और जरासंध की सेना पूरे जगह कुंडनपुर को घेरे थी। जब कन्हैया निकल गए तो सुबह ब्रह्म बेला मुहूर्त में मालूम चला बलराम जी को आज कन्हैया चला गया है। तो 56 करोड़ यदवंशियों को लेकर के और कुंडनपुर की ओर जाकर के शिशुपाल की सारी सेना को भेज दिया। आप वहां से महारानी रुक्मणी जी ये पधारी और सजी और यहां पहरे लगा दिए। उसने रुक्मी ने तलवार से तलवार बड़े बड़े योद्धा कैसे अरे आओ मेरी सखी
लोग नई नवीन रचना दे रहे हैं हम गीत के माध्यम से। और इनको जो समर्पित इनका कन्यादान कराओ और जो सबको जान आने में देना है चालू करें। बहुत सुंदर हरियाणा। हाँ, हल्दी से पानी पकाएंगे, हल्दी वाला पानी अलग रखते हैं जिससे पका रहे हैं। और एक बात रख लीजिए वहाँ उसमें सबका अपना संकल्प बढ़ाते जाना। और लीजिए अब तुम लोग सामने देखो, सामने अरे महाराज सामने देखो, बड़ा प्यारा भजन है। संकल्प करवा लूंगा, सामने देने आप
आप अभी कुछ मंत्र बोलिए, संकल्प कराओ। भद्रम कणेवी तृणुयाम देवा भद्रम पदेवाचंद्रेरवंदेवरायुत्मित्रोजतोति मानो हरियाणा ततोप्यमंत्राशाधनानसने अभी ततोप्यनाडजायराजिपूर्व सब लोग अपना चयन करके हाथ से जाए पाओ और उनका तिलक करते जाए और अपना जो भी संकल्प दान है गुरु श्री बाके बिहारी लाल की ब्रह्मचारी को हम जलक लोगों को पठाते हैं। ऐसे आ जाओ अपन पीछे से घूमते चले काफी जगह बनते चलो भगवान खले हम जो अभी चाचा गुड़िया खले ना वही हाँ देखिए बड़ी मम्मी ये तरफ देख लो जो है ठीक है ये तरफ देख लो सभी लोग अपने अपना समय देकर के प्रकार से जाए और अपने थोड़ा सा अटैचमेंट मार्च हो जाएगा भगवान। हाँ जब तक एक भजन और हो जाए पंडित जी के थाली में श्री बापी बिहारी लाल की जय। सभी लोग बड़े प्रेम से अपना देखिए आज ऐसी जोड़ी तुम्हारे सामने बैठी है जो बाकी में जिनको पवित्र जीव और ब्रह्म के रूप में शक्ति और ब्रह्म ही बैठे हैं। भाभी थोड़ी ऊपर भी देख लही हो श्री राम के पास चौबे जी महाराज की ऐसी कृपा है और माताओं की दोनों की अजीब सा ही समय लग रहा है कुछ हटके छटा है और कल के बारे में माताओं से और कह दें एक ही चीज कल की कथा एक बजे से प्रारंभ हो जाएगी।
जिसमें आप लोग